नमस्कार गाइस, डेडिकेशन होता ना एक जिम जाने का, देख सब बोरी अभी सर बांध करके लाया हूँ पेट में नोट पहन के। आंधी तूफान बारिश हमें कोई रुकता है, चलो ट्राइसेप और बाइसेप था, एक्सरसाइज हो गई है, मजा आ गया। फुल बरसात में आया था और अभी बरसात खत्म हो गई है, मतलब बारिश बंद हो गई है। लेट्स गो, चलो जाएं कैसे उस साइड यार, पानी देखो पूरा भरा हुआ है। घर पे पहुंच गया हूँ। अरे पानी कितना हो रहा, आप लोगों ने देखा? अपन ने कोई रिस्क नहीं लिया, अपन उस पानी से नहीं आया, अपन घूम के आए। सुबह सुबह कोई मूड नहीं है रिस्क लेने का, तो अभी जिम हो गई है, मजा आ गया। अब घर पहुंच गए, कुछ खाओ पियो, दोस्ती बढ़ाओ। ये वो जगह है जो हाँ सुबह पानी भरा था, अभी तक और हो गया है। अब हम जा रहे हैं अंकित भाई के साथ, कहाँ क्यों कैसे कब कुछ भी नहीं पता, जहाँ लेके जाएंगे वहाँ जाएंगे। तो आज का व्लॉग आप लोगों को पूरा देखना है, बहुत दिनों बाद व्लॉग चालू हुआ है, ये मिलते हैं आगे। भाई कैसा लग रहा है नया चश्मा लेके? वाह, अब भाई अभी हमें पिलवाएंगे जूस। मैं अभी घर पे आ चुका हूँ, कुछ खास नहीं था इसलिए मैंने आगे शूट नहीं करा है। और कल मैं लेने जाऊंगा अंकित भाई के साथ आईफोन, नहीं कौन सा फोन क्या लेने जा रहा हूँ वो मैं बताऊंगा आप लोग को। मेरा वन प्लस खराब हो चुका है, खराब नहीं बोल सकते, इनफैक्ट वो हीट हो रहा है और हैंग हो रहा है। तो हम लोग नया फोन देखने जाएंगे एंड्रॉइड में, कौन सा क्या फोन होगा वो आप लोग को अगर जानना चाहते हो तो पूरा ब्लॉग देखो। सो गाइज मैं रेडी हो चुका हूँ और अभी हम चलते हैं। मैंने आप लोग को बोला था कल फोन लेने जाएंगे, तो अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से अंकित भाई के घर, वहाँ से हम लोग जाएंगे फोन लेने। तो मैं कौन सा क्या फोन लेने वाला हूँ वो सब आप लोग को देखना है और मुझे बताना है कैसा क्या लगा। हमने फाइनली वन प्लस 8T जो मेरा 3 साल से फोन चला रहा था वो चेंज कर दिया है, नया लिया एंड्रॉइड। कौन सा क्या लिया उसकी अनबॉक्सिंग दिखाता हूँ, पूरा कैसा क्या है वो सब बताऊंगा मैं आपको। तो देखने के लिए आप लोग रेडी हो? बहुत ज़्यादा खुशी, देखो चेहरा वैसे मुँह खुलते जा रहा है। तो मैं भी उसकी अनबॉक्सिंग करूँगा और आप लोग को दिखाऊँगा कैसा क्या है। बहुत दिनों बाद मैंने कुछ अपना वन प्लस 8T छोड़ के नया फोन लिया है, खुशी दिखाने के लिए रेडी आप लोग। मोटरोला का है, क्या डाला भैया इसमें? ग्लू, इसकी ग्लू रहती है वाली। सबसे मेन चीज़ है ग्लास गार्ड डलवाना, ग्लास गार्ड मशीन से लग रहा है भैया, देखो अंदर बड़ा है और ग्लास गार्ड लग रहा है। नाइस। तो ये आप लोग ब्लॉग के एंड तक आ चुके होंगे, लेकिन ये एंड नहीं है। और ये मैं ये जो वीडियो शूट कर रहा हूँ मोबाइल के दो दिन यूज़ करने के बाद, मोटोरोला EG40 था, यूज़ करने के बाद मैं अपना फीडबैक बता रहा हूँ मुझे कैसा क्या लगा, स्टार्टिंग कहाँ से क्या हुई वो सब मैं आपको बताऊँगा। अगर आप लोग मोटोरोला EG40 लेना चाहते हो तो आप लोग के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एंड तक मैंने जो फील करा है वो मैं आप लोग को बताऊंगा, मेरे साथ क्या हुआ, कैसा क्या लगा उसका, मोबाइल कैसा क्या, प्रोसेसर मोबाइल का प्रोसेसर कैसा क्या था, वो सब अगर आप लोग लेना चाहते हो। अगर आप लोग अगर नहीं लेना चाहते हो तो आप ये वीडियो यहीं पर छोड़ के गायब हो सकते हो। अगर आप लोग को लगता है कि क्या कैसा क्या है क्यों है वो सब जानना है तो पूरा वीडियो देखना। तो मैंने ये मोटोरोला EG40 लिया था क्योंकि मेरा वन प्लस 8T था, वो हैंग हो रहा था और गर्म हो रहा और चार्जिंग पॉइंट में कुछ प्रॉब्लम था। लेकिन मैंने सोचा अभी पुराना भी हो गया, 3 से 4 साल होने वाले, हाँ तीन साल हो गए थे, तो मैंने सोचा कुछ नया फ़ोन ले लेता हूँ, शायद मेरे को प्रोसेसर ज़्यादा अच्छा मिलेगा और मतलब कम बजट में भी था, तो मैंने सोचा अच्छा होगा। और मैंने उसके वीडियो भी देखे थे तो मस्त था, मतलब मेरे को लगा मेरे लिए एक परफेक्ट होगा। और मेरे को सिर्फ व्हाट्सअप ही यूज़ करना था, ज़्यादा कुछ ऐसा मैंने नहीं लिया था व्हाट्सअप के अलावा कुछ। लेकिन बहुत ही दुख दर्द के साथ मेरे को ये कहना पड़ रहा है, ये जो जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि मोटोरोला EG40 जो मोबाइल था वो मैंने वापस रिटर्न कर दिया, क्योंकि क्या
है जो मैंने सोच के लिया था मोटोरोला ई जी 40, वो मतलब मेरा मेन काम है व्हाट्सअप का, तो लेकिन व्हाट्सअप पे वो ओपन ही नहीं हो रहा। मतलब मेरे बहुत सारे मैसेज थे, मतलब वो ओपन होने में, जैसे मैं आपका नाम सर्च करूंगा फॉर एग्जाम्पल, किसी भी रैंडमली किसी का नाम सर्च करूंगा तो 5 से 6 सेकेंड मतलब वो नाम सर्च होने में टाइम ले रहा था। मतलब बहुत, ये मान सकता हूँ मेरा मतलब डाटा ज़्यादा होगा, लेकिन मैंने यही सोच के लिया था कि मेरे को व्हाट्सअप यूज़ करना है। तो अगर आप लोग भी सोचते हो कि आपको मतलब व्हाट्सअप पे ज़्यादा काम है, शेयरिंग ज़्यादा है, आप या ऑनलाइन काम करते हो या कुछ भी एक्सपर्ट, अगर आप ये सोच के लेते हो कि व्हाट्सअप का अच्छा चलेगा, बढ़िया चलेगा, तो गाइस मैं पर्सनली मतलब 2 दिन चलाया है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा था। तो मेरा ये सजेशन है, अगर आप व्हाट्सअप का आपका ज़्यादा डाटा है या ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें हैं तो वो फ़ोन मत लो, क्योंकि क्या मैंने 2 दिन बाद चेंज कराया, तो मेरे समझ रहे हो, मैंने जब वहाँ रिटर्न चेंज कराया तो ऐसा तो है नहीं, एक्चुअल जो फी लिया था वही अमाउंट में रिटर्न हुआ होगा, कुछ अमाउंट लेस हुआ है तो मेरा लॉस हुआ है, तो मैं ही चाहता हूँ आप लोग के साथ ना हो। तो अगर आप व्हाट्सअप के यूज़ के लिए अगर वो ले रहे हो तो मत लेना, क्योंकि क्या व्हाट्सअप सर्च भी नहीं हो रहा था और हीट भी हो रहा था और कहीं ना कहीं थोड़ा मेरे को मतलब मज़ा नहीं आ रहा था। तो यही था उसका फीडबैक। अगर आप लोग ये चाहते हो मोटोरोला ईजी 40 लेना तो मत लेना, अगर आपका व्हाट्सअप का ज़्यादा यूज़ था। बाकी बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी थी, लेकिन मेरा मेन जो व्हाट्सअप का था वो हैंग हो गया था, ऐसा हो गया था। तो ये मेरा पूरा पर्सनल आपको मतलब मेरे को जो फील हुआ, मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आप लोग लेने वाले हो तो आपका कहीं ना कहीं अगर वीडियो देखते हो तो ये लॉस ना हो, क्योंकि मेरा लॉस हो चुका है। तो मोटोरोला ईजी 40 मैंने रिटर्न कर दिया है और मैं अभी बैक आ चुका हूँ, मतलब रिटर्न अपने वन प्लस 8T पे, जो उसकी प्रॉब्लम थी वो मैंने अभी सॉल्व करा ली है। अभी कुछ नया लेने का एंड्रॉयड में नहीं है, अगर कुछ होगा तो मैं बताऊंगा। तो ये इतना ही था, आप लोग मत लो, अगर आप लोग को व्हाट्सएप पे ज़्यादा यूज़ करना है तो ऐसा हैंग होगा। तो ये वीडियो यहीं तक था, आप लोग को मेरे को लगा बताना चाहिए, शायद आप लोग अगर ईजी 40 का प्लान करते हो तो मत लो अगर व्हाट्सअप के लिए। अगर आप लोग के नॉर्मल काम है कॉलिंग वॉलिंग और नॉर्मल जस्ट आपको ज़्यादा डाटा नहीं है, ज़्यादा वो नहीं है तो आप ले सकते हो, लेकिन अगर आपका व्हाट्सअप ज़्यादा यूज़ करने वाले हो, वो सब यूज़ करने वाले हो तो मत लेना, नहीं तो मेरी तरह रिटर्न करना पड़ेगा। तो गाइज ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही खतरनाक आने वाली है। क्या आने वाली है वो सब आप लोग को देखना पड़ेगा। तब तक के लिए आप लोगों को क्या करना है, अपना ध्यान रखना है। बाय बाय।